नमस्कार दोस्तों, कृष्णा हैस में आपका स्वागत है। और आज इस सत्र में हम लोग फिर एक क्वेश्चन को लेकर ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर इन राइट पर्सपेक्टिव। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1C, राइट। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है मानव अधिकार एवं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। राइट। और ये क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में, मीन्स वी हैव टू राइट आवर आंसर इन 150 वर्ड्स। हमें 150 वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना है। और इसको आप देखें कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि मानव अधिकार क्या है। व्हाट इज ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट क्या है। और सेकंड कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब ह्यूमन राइट की बात आप करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज में भी ये मानव अधिकार आपको पढ़ना है, ठीक है। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अब दोनों में कैसे कोरिलेशन है, क्यों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको मेन जो क्वेश्चन का थीम है वो ये है कि कैसे ह्यूमन राइट और कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। कैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या रिलेशंस है, राइट। ये हमें क्लियर करना। तो पहला चीज तो है कि ये क्या है। तो देखो सिंपल, जब तक आप शब्दों पर पकड़ नहीं बनाएंगे, खासकर हिंदी माध्यम के लोगों के लिए मेरा अपील है, ठीक है, आप लोगों की बात मत सुने कि एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में दिक्कत है क्या है, भाषा पर पकड़ बनाए। अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या रहती तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स क्यों आता, UPSC के हिंदी माध्यम में भी, मैं कह रहा हूँ हिंदी माध्यम में भी 273 नंबर हाइस्ट मार्क्स इसमें आया, तो क्यों ये आता, जबकि अदर किसी ऑप्शनल में मेरी जानकारी में 273 नहीं है। तो लोग 10 तरह की बात करते हैं, राइट, 10 तरह की बात करेंगे हिंदी माध्यम के पढ़ाने वाले लोग। वो इस बात को नहीं करेंगे कि अगर वो 2000-1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें से उनका एक भी दो बच्चा नहीं क्वालिफाई कर रहा, ठीक है, क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहा, उसका कारण है कि विषय में जो डेवलपमेंट है और जो उसकी आंसर राइटिंग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग इसके बात को समझेंगे कि आंसर कैसे लिखोगे। तो आप मानव अधिकार से क्या समझते हो, है ना, ह्यूमन राइट। तो मानव अधिकार से आसे ऐसी प्राकृतिक अधिकार से है जिसके बदौलत हम एक मानव के रूप में उत्तरजीवी हैं। सिंपल, वी सर्वाइव ड्यू टू दैट नेचुरल राइट। ये ऐसी नेचुरल राइट हैं, ऐसी प्राकृतिक अधिकार हैं जो सभी मानव को प्राप्त हैं, उसके चलते हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग उत्तरजीवी हैं। तो एक लाइन में आप लिखो कि मानव अधिकार से तात्पर्य ऐसी अधिकार से है, ऐसी अधिकारों से है
जिसके बदौलत मानव उत्तरजीवी है। और फिर आप दूसरा लाइन आप लिख सकते हो कि इन अधिकारों के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शिक्षा, भोजन, संरक्षण, धर्म, विचारों के संप्रेषण, स्वास्थ्य का अधिकार इत्यादि शामिल है। ठीक है, बस दो लाइन में आपको इसको डिफाइन करना है। दूसरा पार्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इसके बारे में चूंकि ये एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा आप इसके बारे में, फ्रेंच वास के बारे में आप बताएंगे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का विकास फ्रेंच वास, प्रसिद्ध अमेरिकी मानवशास्त्री फ्रेंच वास ने किया। और इस अवधारणा के अंतर्गत ये कहते हैं कि संस्कृति का अध्ययन किए जाने वाले लोगों के विश्व दृष्टि के अनुरूप किया जाना चाहिए। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एकदम बेसिक, जब तक आपको शब्दों पर कमांड नहीं होगा तब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं लिख पाते हैं, और शॉर्ट नोट्स नहीं लिख पाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। राइट, सो फ्रेंच वास सेड दैट कल्चर शुड बी अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड व्यू ऑफ द पीपुल ऑफ दैट कल्चर। मीन्स कि मानवशास्त्री अगर किसी संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो वहाँ के लोगों की जो सोच है, उनकी जो विचार है, उनकी जो देखने की नज़रिया है अपनी संस्कृति को, उसके अनुरूप संस्कृति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसको मानव विज्ञान में वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक तार्किक मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और फ्रेंच वास के बाद एक तरह से, मतलब मानव विज्ञान में क्या हो गया कि इथिकल है कि हमें किसी संस्कृति, किसी ट्रैवल का अध्ययन करना है तो हमें उस संस्कृति के जो नॉर्म हैं, उसके जो वैल्यू हैं, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसमें जो नैतिकता है, उसके अकॉर्डिंग देखना होगा, है ना। जैसे छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर किसी सोसाइटी में बहुपति प्रथा प्रचलित है, बहुपति प्रथा मैं कह रहा हूँ कि एक स्त्री के कई पति, है ना, जैसे टोडा में है, नीलगिरी के टोडा जनजाति में भारत में, तो जैसे आप सुनते हो कि एक स्त्री का कई पति होता है तो आपका मतलब दिमाग वहाँ पर क्या होता है कि अरे कैसा रिवाज है। राइट, लेकिन अपने सोसाइटी में कोई दो मैरिज कर लिया, दो औरतों से मैरिज कर लिया तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर बहुपति प्रथा को पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि उसके सोसाइटी में क्या व्यू है। यही है कल्चर रिलेटिविज्म। राइट, लेकिन इसमें समस्या है। देखिए, आंसर राइटिंग में आपको समझना है कि इसमें व्हाट प्रॉब्लम्स क्रिएट व्हेन वी एक्सेप्ट कल्चर रिलेटिविज्म इन एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव इन एथिकल टर्म। यानी कि अगर आप इसको निरपेक्ष सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में आप स्वीकार करते हैं या एथिकल रिलेटिविज्म के रूप में आप स्वीकार करते हैं तो इसमें क्या समस्या हुई। क्योंकि अगर फ्रेंच वास की बातों को एज इट इज हम ले लें तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी संस्कृति को अगर आप देखेंगे और वहाँ के लोगों के व्यू के अनुरूप उस संस्कृति को देखेंगे तो उसमें जो कुछ भी होगा उसको तो अच्छे रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ऑल इज वेल इन एवरी कल्चर
If we try to understand that culture according to the view of the people of that culture, अगर हम वहाँ के लोगों के दृष्टिकोण से उस संस्कृति को पढ़ेंगे तो सब चीज़ उसमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे समस्या क्या क्रिएट होगी? समस्या क्रिएट होगी कि कई ऐसे सांस्कृतिक व्यवहार हैं जो मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। देखो, ये एकदम कूड़ चीज है इस क्वेश्चन का कि बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हैं या मानवता के लिए ही वो नुकसानदेह है ना, हार्मफुल फॉर ह्यूमनिटी, मानवता के लिए नुकसानदेह है। और उसको कैसे आप डिफेंड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म? आप कैसे उसको डिफेंड करोगे? वो तो मानवता के खिलाफ है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल देना है, आप भी एग्जांपल ध्यान में रखना है, केस स्टडी ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियोस में आपको कह रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी एक डिफरेंट टाइप का विषय है, जहाँ पर उसके मॉडल को फॉलो करेंगे नंबर आपको अदर विषय से ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रुथ है, इस सब्जेक्ट के नेचर में ये है। अब देखो, एग्जांपल हमें कलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लोग बोलने के लिए कह देते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कई टॉपर को आप सुनेंगे कि आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, लेकिन कलेक्शन जो है एग्जांपल का, केस स्टडी का, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कभी भी लिखोगे, आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब देखो कि जो पिग्मी जो ट्राइब है सेंट्रल अफ्रीका के, मध्य अफ्रीका के, उसमें लोगों के सिर काटने की परंपरा है, उसको कैसे आप डिफेंड करोगे कि उनके कल्चर में ये प्रैक्टिस है? मानव बलि की प्रथा आपने सुना होगा, ये एजटेक ट्राइब है, पोलिनेशियन ट्राइब है, उसमें भी मानव बलि की प्रथा है। फिर नागा जो ट्राइब है हमारे यहाँ भारत में, उसमें भी हेड हंटिंग का कॉन्सेप्ट है। जो प्लेन इंडियंस है उसमें वैसे स्त्रियों के नाक को काट दिया जाता है जो अपने पति के प्रति लॉयल नहीं रहती है। अफ्रीका के ईरान के दानी ट्राइब में औरतों की अंगुली को काट दिया जाता है, राइट। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की बात करें, कई इस्लामिक कंट्री है जिसमें महिलाओं का सर्कमसीजन किया जाता है, यानी खतना जो नाम आप सुने होंगे। आप जानते होंगे कि इस्लामिक के जो कल्चर है उसमें पुरुषों का खतना किया जाता है, महिलाओं का भी खतना किया जाता है, और उसमें कॉन्सेप्ट है कि खतना के माध्यम से उनका सेक्सुअल एक्साइटमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो बड़े पैमाने पर मानव का नरसंहार किया जाता है युद्ध की परिस्थितियों में, या दुश्मनों का, या जिनोसाइड भी किया जाता है, राइट। जैसे यहूदियों का जिनोसाइड हिटलर ने किया आर्यों की रक्त की शुद्धता के नाम पर। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को एक उद्योग का रूप दर्जा दिया गया है थाईलैंड में, है ना। ये उसके कल्चर के अकॉर्डिंग है, ध्यान ही रखना है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये उसके कल्चर के अकॉर्डिंग है। और अगर आप कह रहे हो कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद उसके कल्चर में ये राइट है, तो राइट है। इसी तरह से जो भारत है उसमें दहेज, राइट, इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है
जो अदर जगह भी आप यूज़ कर सकते हो, जीएस में भी आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो। ये वान जॉन वेलिंगटन, वान जॉन वेलिंगटन एंड बिसी चन्ना, इन लोगों ने इंडिया में केस स्टडी किया दहेज। अब देखो दहेज कैसे हार्मफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि दहेज से जुड़ा हुआ है भ्रूण हत्या, लड़कियों का भ्रूण हत्या, जो कि हरियाणा में आपको दिखाई देती है बड़े पैमाने पर। आधुनिक समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भ्रूण हत्या हो रहा है बड़े पैमाने पर। इसके बाद दहेज के लिए स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता है, हाउ डेयरफुल दैट। अगर इसको, दहेज भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप कहोगे कि ये हमारी संस्कृति के अनुरूप अगर दहेज को देखोगे तो ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, तो संस्कृति का पार्ट है तो ये अकॉर्डिंग टू कल्चर रिलेटिविज्म राइट है। इसी चीज़ का स्टडी इन लोगों ने किया था दहेज का, इससे जुड़े सारे चीज़ यहाँ पर लिखने का स्कोप नहीं है, इसलिए मैं चर्चा उसकी नहीं कर रहा हूँ। आप केवल नाम मेंशन कर दोगे कि इसके साथ साथ दहेज के लिए कन्याओं की हत्या, ठीक है, जला देना, रसोई में जला देना कितना डेयरफुल है। यह सती प्रथा जो अब नहीं है, पहले था, अगर उसको आप डिफेंड करो कल्चर रिलेटिविज्म से, तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी प्रैक्टिसेस हमने बताए ये क्या कर रहा, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा। और इसलिए अगर आप इसको निरपेक्ष अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये वायलेट करेगा। इस स्थिति में अब इसमें क्या हो रहा कि अब हमको इसको रिव्यू करनी है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म को परिवर्तित करना है। और परिवर्तित करके अगर आप इसको करते हैं सापेक्ष सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी कि इसको रिव्यू कैसे करेंगे कि एक मानक स्टैंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को फॉलो करेंगे और उस सब पे अप्लाई करेंगे सारे कल्चर में, कि जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा या हार्मफुल प्रैक्टिसेस है उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस नहीं हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पर प्रैक्टिसेस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके लिए कल्चर रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी रिलेवेंट है। तो इतनी चीज़ों को लिख के और फिर आप कंक्लूजन कर सकते हैं, निष्कर्ष, कि इस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को फिर से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और इसको सापेक्ष सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में एक्सेप्ट करना है, ताकि ये मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सके और जो हार्मफुल प्रैक्टिस है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके, राइट। तो इसके माध्यम से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं।